लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 और 200 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपके पास भी 200 और 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल आरबीआई ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया है। 200 और 2000 रुपए के नोट अब बैंक में नहीं बदले जाएंगे। आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200 और 2000 रुपए के नए नोट अगर किसी वजह से गंदे हो जाएं तो बैंकों में इन्हें बदला नहीं जा सकेगा। यही नहीं, बैंक इन्हें जमा भी नहीं करेंगे। दरअसल आरबीआई ने करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों को नहीं रखा गया है। 2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी किया गया था, जबकि 200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था। कट्टे फट्टे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है। इस एक्ट में 5 से लेकर 10,000 रुपए के करेंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है। सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं।